ट्रंप ने लिया सचिन का नाम, उच्चारण को लेकर आईसीसी ने लिए मजे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के साथ भारत दौरे पर आए हुए हैं। सोमवार को ट्रंप गुजरात के अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा में पहुंचे। ट्रंप ने खचाखच भरे हुए इस स्टेडियम में सभी का संबोधन किया। अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के नाम लिए। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सचिन के नाम का सही उच्चारण नहीं कर पाए। ट्रंप ने सचिन की जगह सुचिन कह दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने ट्रंप के उच्चारण को लेकर मजाक करना शुरू कर दिया। इसी बीच आईसीसी भी बीच में कूद पड़ी। आईसीसी ने ट्रंप के द्वारा सचिन को सुचिन कहने पर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में गूगल का सर्च इंजन दिखाया गया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर के नाम को संशोधित कर सुचिन लिखा जाता है और फिर इस नाम को ही शेव कर दिया गया जाता है। आईसीसी के इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। खैर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहमदाबाद स्थित मोटेरा स्टेडियम में अपने संबोधन के दौरान माना कि यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में सरदार पटेल स्टेडियम अपनी क्षमता से भी ज़्यादा भरा नजर आया। 110,000 से अधिक की क्षमता वाले इस स्टेडियम को देख ट्रंप गदगद नजर आए। उन्होंने कहा, आज हम दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा स्वागत किया। आज से भारत हमारे लिए सबसे अहम दोस्त होगा। ट्रंप ने भारतीय क्रिकेट के सितारों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने दुनिया को सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी दिए हैं। सचिन और विराट का नाम लेते ही स्टेडियम में मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से ट्रंप के इस संबोधन का स्वागत किया। वहीं सचिन ने 24 साल के अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान विश्व क्रिकेट में छाए रहे। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक जड़ने वाले इकलौते क्रिकेटर हैं। दूसरी तरफ दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज विराट कोहली ने लगातार अपनी उपलब्धियों से खास जगह बना ली है।